हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप स्टोरीज बाय पूजा। मैं हूँ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एंड मेकअप ट्रेनर पूजा। मेरी सारी वीडियोस को पसंद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगा बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी जो है मेलास्मा के ऊपर, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, सन स्पॉट्स, इन सब के क्वेश्चंस मुझे सबसे ज़्यादा आते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी के बारे में आते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड अगर आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन या फ्रेकल्स या डार्क स्पॉट्स नहीं हैं तब भी आप ये वीडियो ज़रूर देखें बिकॉज इसमें बताया गया है कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। प्लस अगर आपकी फैमिली में आपकी मम्मी पापा या आपकी सिस्टर, एनीवन, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, आप एटलीस्ट उसको गाइड कर पाएं। ऐसे तो बहुत सारी रेमेडीज हैं पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स के लिए, बट मैं आपके साथ वही रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड जिसके 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैं बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना चाहती थी बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मेलास्मा एंड पिगमेंटेशन जिनके फेस पे बहुत प्रोमिनेंट है, एंड उनमें एक अलग सा मोरल डाउन रहता है उनका, या फिर आप कह लो कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो रहता है कि वो मूव आउट करना भी पसंद नहीं करते ज़्यादातर। तो दैट इज़ वाई ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं इन ट्रीटमेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली एक तो स्किन का ट्रीटमेंट बहुत महंगा रहता है, सेकेंडली बहुत सारी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपको खानी पड़ेंगी, क्रीम्स देंगे, एंड बहुत सारे एक्सट्रीम लेवल पे वो लेज़र भी करते हैं या पील ऑफ करेंगे आपकी स्किन पे। बट नेचुरल वे से भी इसका बहुत इफ़ेक्टिव आपको रिजल्ट मिल सकता है, बट आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एंड सेकेंडली ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बनता है, सो आप बिल्कुल सेफली इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है तो ये थोड़ा सा लंबा भी बनेगा, तो इसको आप एंड तक ज़रूर देखिए बट स्किप किए बिना। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिविटी लानी है अपनी लाइफ में। कई लोग बिल्कुल निराश हो जाते हैं कि ये मार्क्स हमारे हटेंगे ही नहीं कभी। सबसे पहले ये स्टेट ऑफ माइंड आपको चेंज करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव वाइब के साथ आपको ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। सेकेंडली आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, दैट इज़ आपको CTM ज़रूर करना है जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, आप ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं। एंड CTM करिए, CTM मीन्स क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, ये आपको डेली रूटीन में करना ही करना है। एंड सेकेंड थिंग कि आपको सनब्लॉक या SPF वो लगाना ही लगाना है धूप में जाने से पहले। दैट इज़ बिकॉज कि अगर आपकी स्किन पे अगर अभी पिगमेंटेशन नहीं है तो वो आए ही ना, उसको हम प्रिवेंट करें। दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारी स्किन केयर में, एक स्क्रब करना, एक्सफोलिएट करना, एंड सेकेंडली एक लोशन से प्रिवेंट करना। ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगी नेचुरली तरीके से, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये पिगमेंटेशन के रीजंस क्या हैं, किस लिए आपको ये पिगमेंटेशन फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज पिगमेंटेशन। इन इजी लैंग्वेज आपकी स्किन के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का डिस्कलरेशन है उसको हम बोलते हैं पिगमेंटेशन, जस्ट लाइक अनइवन स्किन, फ्रेकल्स या डार्क पैचेस। अब जान लेते हैं पिगमेंटेशन क्यों होता है। हमारी बॉडी में मेलेनिन प्रोड्यूस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्किन टोन के लिए। जो कलर हमारे नेचुरल स्किन टोन को आता है वो इस पिगमेंट की वजह से आता है, बट जब मेलेनिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है तो ये पिगमेंट एक ही जगह पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पिगमेंटेशन। कई बार आपने देखा होगा आपकी पूरी बॉडी एंड आपका पूरा फेस क्लियर है, बट कहीं कहीं आपके डार्क पैचेस यहाँ पर या यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। अब बात करते हैं पिगमेंटेशन कितनी तरह के होते हैं। बेसिकली पिगमेंटेशन तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला पिगमेंटेशन है सबसे कॉमन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं एज स्पॉट्स, और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ सन रेज।
अगर आप सन में ज़्यादा रहते हैं, मतलब आपका एक्सपोजर टू सन ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपको एज स्पॉट्स सबसे जल्दी नज़र आने शुरू हो जाएंगे एंड इससे फेस भी आपका डल लगना शुरू हो जाएगा, फेस अनइवन हो जाएगा एंड डार्क पैचेस भी आने लग जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ पिगमेंटेशन है मेलास्मा। ये दूसरे टाइप का हाइपर पिगमेंटेशन होता है। ये ज़्यादातर लाइक एज स्पॉट्स ही होता है, बट ये थोड़ा लार्जर एरिया में होता है एंड इसका मेन रीजन होता है हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी। एज फैक्टर की वजह से जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ये इन फॉर्म ऑफ पिगमेंटेशन हमारी बॉडी पे या हमारे फेस पर नजर आने लग जाता है। स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली नजर आना शुरू हो जाता है आपके फेस पे और आपकी बॉडी पे। एंड थर्ड वन इज फ्रेकल्स, दैट इज कम्प्लीटली ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सन। जब आप सन में बहुत ज्यादा रहते हैं तो जो भी पार्ट्स आपके विजिबल हैं सन में लाइक शोल्डर्स या फेस, वहां पर छोटे छोटे स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स पूरे फेस पे या शोल्डर्स पे कवर कर लेता है। तो गाइस, सबसे बड़ा रीजन है यूवी रेज जो सन से निकलती है। यूवी रेज मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज। इसी की वजह से ओवर प्रोडक्शन होता है मेलेनिन का हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन फेस करनी पड़ती है एंड इसको बचाने के लिए आपको SPF जरूर अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है। तो गाइस, यही थे वो रीजंस जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है एंड आई होप कि अब आप सब धूप में जाने से पहले सनब्लॉक जरूर लगाएंगे। तो चलिए अब बना लेते हैं एक होममेड स्क्रब एंड लोशन, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन भी कम होगी एंड जो मार्क्स हैं आपके फेस पे वो भी फेड आउट होते जाएंगे। तो चलिए स्क्रब बना लेते हैं। ये स्क्रब ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए है, चाहे ड्राई, नॉर्मल या ऑयली। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारे पास पपाया। पपाया को आप मैश कर लीजिए और फिर उसके बाद उसका जूस निकाल लीजिए। पपाया में एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्सफिलिएट यानी स्क्रब करने की। स्किन पर ब्राउन स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन एंड डेड सेल्स होते हैं, इनको रिमूव करने में पपाया हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू का जूस। पोटैटो को छिलके के समेत घिसकर इसका जूस निकाल लीजिए। आलू में एंटी पिगमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे ब्राउन मार्क्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेड मसूर की दाल। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो बहुत अच्छा स्क्रब का काम देगी। इसको हम पीस लेंगे और इस तरह पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कर्ड यानी कि दही। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो डेड सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ कोकोनट ऑयल, बट ये याद रखना है इसको तभी यूज़ करना है अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है, अदरवाइज़ आपको ये स्किप कर देना है। चलिए आइए देखते हैं इसकी मिक्सिंग कैसे करनी है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून रेड लेंटिल पाउडर। रेड लेंटिल पाउडर मतलब लाल मसूर की दाल। उसमें मैं ऐड करूंगी 1 स्पून कर्ड, कर्ड यानी दही। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 स्पून पपाया जूस। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून आलू का जूस एंड लास्ट में, अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो उसमें डालें 1/2 स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। इसके बाद एक ब्रश की हेल्प से आप इसको मिक्स कर लीजिए। आइए देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। सबसे पहले आपको इस स्क्रब को अपने फेस पर एक पैक की तरह लगा लेना है और उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप विद द हेल्प ऑफ ब्रश भी लगा सकते हैं या विद हैंड्स भी लगा सकते हैं। एक मिनट के बाद आप इसको सर्कुलर मोशंस में स्क्रब कर लें
एंड जहाँ पर आपके डार्क पैचेज हैं वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रब करें ताकि जो डेड स्किन है वो निकलती रहे। 4-5 मिनट इसको स्क्रब करने के बाद इसको वॉश कर लें। तो गाइज मैंने वॉश कर लिया है एंड इस स्क्रब को आप 1 वीक में 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लोशन किस तरह बनाना है। अब मैं एक लोशन बनाने जा रही हूँ, इससे जो आपके फेस पर ऑलरेडी निशान हैं वो फेड आउट होते जाएंगे। इस लोशन को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर, 1 टीस्पून लेमन वाटर एंड 1 टीस्पून ग्लिसरिन। इस रेशियो में आपको ये लोशन बनाना है और इस लोशन को आप स्प्रे बॉटल में डाल के फ्रिज में 15 दिन के लिए भी रख सकते हैं। आइए इसका यूसेज बता देती हूँ कैसे करना है। इस लोशन को आप कॉटन में लें और अपने पैचेस पे ऐसे लगा लें डैब डैब करके। जहाँ पर आपका पैच डार्क है या ज़्यादा है तो वहाँ पर आप इसको ज़्यादा लगा सकते हैं। इस लोशन से आपकी स्किन बहुत ब्राइट हो जाएगी और जो ऑलरेडी मार्क्स हैं वो फेड होने लग जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, बहुत सारा शेयर कर दीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। पास में लगा नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो जल्दी से आप उसको देख पाएँ। बाय बाय एंड टेक केयर।